Hey guys, welcome back to my channel. So let's get started with our daily bank nifty review video. So आज का जो price action है काफी ज्यादा interesting था. आज हमने huge gap up opening देखी, उसके बाद तेजी भी काफी अच्छी हुई, थोड़ी सी गिरावट भी देखी, लेकिन जो क्लोजिंग हुई है अपने ऑलमोस्ट यहाँ पे ओपन के आसपास हुई है. ये जो कैंडल है वाइड रेंज कैंडल है, इसको स्पिनिंग कैंडल कहते हैं, ऑल टाइम हाईस पे बनी है. तो हमें यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट में केयरफुल होने की ज़रूरत है. मार्केट ऑल टाइम हाईस पे है, इस तरह की वॉलेटिलिटी कैंडल्स बन रही है. तो गाइज, यू रियली नीड टू बी केयरफुल इन द मार्केट राइट नाउ. सो अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा हो तो मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि मार्केट में फ्राइडे के सेशन में एक शूटिंग स्टार कैंडल बनी है. ये शूटिंग स्टार कैंडल जो है एक गैप अप कैंडल थी, स्ट्रक्चर भी इसका हायर हाईस का था. तो मैंने आपको बताया था जब इस तरह की कैंडल फॉर्मेशन ऑल टाइम हाई पे बनती है तो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में यूजुअली हमें ह्यूज गैप अप या फिर ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है. लेकिन हम वहाँ पे ये नहीं एग्जैक्टली पता कर सकते हैं कि गैप अप होगा या गैप डाउन होगा, लेकिन वहाँ पे हम ह्यूज मूव देख सकते हैं. तो आज आपने देखा, आज जो गैप अप ओपनिंग थी काफ़ी ज़्यादा ह्यूज थी. लास्ट क्लोज जो हमें मिला था 40,300 के आसपास मिला था, और आज की जो ओपनिंग थी आप देख सकते हैं 40,900 के आसपास ही. तो 600-650% की परसेंट, आई मीन 600-650 पॉइंट्स की यहाँ पे हमने गैप अप ओपनिंग देखी. उसके बाद बैंक निफ्टी ने तेजी भी अच्छी दिखाई, हाई बनाया 41,829 का. ऊपर से सप्लाई प्रेशर भी देखने को मिला, गिरावट भी हमने देखी. लेकिन आप देख सकते हैं जब ये नीचे के लेवल पे आया तो यहाँ पे बाइंग भी आई, और ऊपर लेवल पे गया तो वहाँ पे सेलिंग भी देखी. तो यहाँ पे बायर्स और सेलर्स दोनों कोशिश कर रहे हैं मार्केट को अपने अपने डायरेक्शन में लेके जाने के लिए. और अगर आप फ्यूचर चार्ट देखेंगे तो इस कैंडल पे वॉल्यूम भी अच्छा खासा है. सो इसीलिए आप मार्केट में अगर लॉन्ग साइड पे ट्रेड कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कॉशियस होके ट्रेड करना चाहिए, और लाइटली ट्रेड करना चाहिए, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना चाहिए. तो अब बात करते हैं कि कल के सेशन में हम यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. तो अगर आप वीकली मंथली चार्ट देखेंगे तो स्ट्रक्चर वहाँ पे अभी भी अच्छा बना हुआ है. अगर आप डेली चार्ट देखेंगे, डेली चार्ट का भी स्ट्रक्चर अच्छा है. आज की कैंडल भी हायर हाइज बनी है, गैप अप कैंडल है, लेकिन क्योंकि एक वाइड रेंज कैंडल है, स्पिनिंग कैंडल है, जो कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रही है कि ऊपर मार्केट जा रहा है, स्ट्रेच हो रहा है, लेकिन ऊपर के लेवल पर सप्लाई भी अच्छे से फेस कर रहा है. सो फिलहाल यहाँ पे बायर्स भी कोशिश कर रहे हैं, सेलर्स भी कोशिश कर रहे हैं, तो एक ना एक कुछ ना कुछ टाइम में यहाँ पे गिव अप कर सकता है. या तो बायर्स गिव अप करेंगे या सेलर्स गिव अप करेंगे. तो इसीलिए आपको यहाँ पे थोड़ा कॉशियस रह के ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि ये वॉलेटिलिटी मार्केट जितना ऊपर जाएगा उतनी ज़्यादा ये वॉलेटिलिटी आगे बढ़ती जाएगी. सो अब कल के लिए लेवल्स देख लेते हैं कि कल किस तरह का प्राइस एक्शन रह सकता है आज के बेसिस पे, और कौन से लेवल्स हैं जो कल के लिए हम ध्यान में रख सकते हैं. तो आज जिस तरह की कैंडल बनी है तो कल यहाँ पे गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग होने के चांसेस हैं, लेकिन मुझे लगता है आज की जो कैंडल है उसी कैंडल के रेंज के अंदर ही हमें यहाँ पे ओपनिंग या फिर जो भी, चाहे गैप अप हो चाहे गैप डाउन हो सकता है इसी कैंडल की रेंज के अंदर हमें बैंक निफ्टी कल ओपन होता हुआ नज़र आए. अब ये रेंज काफ़ी बड़ी है, करीब 3.5% की ये रेंज है, तो इसी रेंज के अंदर मार्केट ओपन हो सकता है. डेली चार्ट से जो हमें सपोर्ट मिलते हैं वो 39,500 के आसपास मिलते हैं. तो जब तक बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर है, हम यहाँ पे एक्सपेक्ट करके चलेंगे कि अगर यहाँ पे बैंक निफ्टी साइडवेज हो सकता है, इस बड़ी रेंज में ऑस्किलेट कर सकता है, लेकिन अगर ये लेवल तोड़ेगा यहाँ पे तो फिर हम यहाँ पे करेक्शन आगे बढ़ता हुआ देख सकते हैं. तो फिलहाल हमारा जो मेजर सपोर्ट रहेगा वो 39,500 के आसपास रहेगा. रेसिस्टेंस की बात करूँ तो आज का जो हाई है वो एक रेसिस्टेंस का काम करेगा. ये लेवल से हमारे 41,830 के आसपास, तो कल के लिए रेसिस्टेंस है 41,839 का. सो कल भी एक बड़ी रेंज में हम यहाँ पे ट्रेडिंग होते हुए देख सकते हैं. आवली चार्ट आप देख रहे हैं तो आवली चार्ट का स्ट्रक्चर अभी भी अच्छा बना हुआ है. यहाँ पे अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है स्ट्रक्चर वाइज. अगर आप देखें प्राइज एक्शन आप यहाँ पे देखें तो प्राइज एक्शन भी आवली चार्ट पे ठीक ठाक है, अच्छी खासी तेजी हुई, फिर कंसॉलिडेट किया, फिर तेजी देखी, और आज देख सकते हैं थोड़ी सी गिरावट आके यहाँ पर क्लोज हुआ है. कल के लिए इंट्राडे सपोर्ट जो है, आप ये जो लेवल देख रहे हैं 41,144 का ये जो लेवल है,
कल के लिए एक सपोर्ट का काम करेगा। अगर इसके ऊपर गैप अप ओपनिंग होती है और इस लेवल को सस्टेन करता है तो फिर से 41,430 के लेवल्स ये टेस्ट कर सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग इस लेवल के नीचे होती है तो फिर हम करेक्शन भी देख सकते हैं। उस केस में जो हमारे आवली चार्ट से सपोर्ट मिलता है वो मिलता है 40,300 का। इनके कलर चेंज कर देते हैं। सो इंट्राडे सपोर्ट, पहला सपोर्ट है 41,150 के आसपास और नेक्स्ट सपोर्ट आपको मिल जाता है 40,300 के आसपास। तो ये दो सपोर्ट हमें इंट्राडे के लिए कल के सेशन में मिल जाते हैं। सो अब डिपेंड करता है कल कैसे ओपनिंग होती है। अगर गैप अप ओपनिंग होगी इस लेवल पे सस्टेन करेगा तो ऊपर की रेसिस्टेंस लेवल टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन गैप डाउन ओपनिंग होगी ये लेवल को रेसिस्ट करता है तो फिर हम सेल ऑफ भी देख सकते हैं। मेजर सपोर्ट हमें आवली चार्ट से भी मिलता है जो 39,500 के आसपास आता है। सो इसको हम थोड़ा सा और प्रिसाइज कर लेते हैं। सो ये हमें लेवल्स मिल जाते हैं 39,460 से लेके 39,518 के। तो करीब यहाँ पे 58 पॉइंट्स का ये सपोर्ट जोन है जो मेजर सपोर्ट रहेगा। अगर बैंक निफ्टी इसके नीचे जाता है, इसके नीचे क्लोज होता है तो फिर यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बैंक निफ्टी में करेक्शन आगे बढ़ सकता है। लेकिन जब तक इसके अंदर है हम बढ़ती हुई वॉलीटिलिटी देखेंगे और साइडवेज प्राइस एक्शन भी आगे हम इस हफ्ते में देख सकते हैं। लेकिन रेंज काफ़ी बड़ी हो गई है। आप ये रेंज देख रहे हैं 39,460 से लेके 41,829 की। ये बड़ी रेंज है यहाँ पे। सो इस हफ्ते के लिए इस बड़ी रेंज के अंदर बैंक निफ्टी ट्रेड कर सकता है। ओके सो ये लेवल्स आपके पास है, आप इन लेवल्स को ध्यान रख के अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं। सो एक बार फटाफट इसको देख लेते हैं। तो 12 से तो स्पिनिंग कैंडल बनी है, ऑल टाइम हाईस पे बनी है, वाइड रेंज है, वॉल्यूम भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा था। सो इस तरह की कैंडल है ऑल टाइम हाईस पे तो आपको यहाँ पे केयरफुल होना चाहिए। इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स रहेंगे, पहला इंट्राडे सपोर्ट है 41,150 का। अगर ये सपोर्ट होल्ड नहीं होता है तो नेक्स्ट सपोर्ट 40,300 का है। मेजर सपोर्ट हमारा रहेगा 39,500 से लेके 39,550 का। रेसिस्टेंस जोन हमारे लिए कल के सेशन के लिए रहेगा 41,650 से लेके 41,630 का। ये ऐसा लेवल है जहाँ पे अगर बैंक निफ्टी कल दोबारा आता है तो इस लेवल पे वो सप्लाई प्रेशर फेस कर सकता है। सो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं बैंक निफ्टी से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, हैव अ हैप्पी लर्निंग।